इंदौर में यातायात सुबेदार का कांग्रेस नेताओं से बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जहां चालानी कार्रवाई करने पर कांग्रेस नेता सुबेदार को धमका रहे हैं, वहीं सुबेदार उनके चालान बनाने की बात कह रहा है। कि अश्विन जोशी जी का ये भाई साहब बताया इनने, ये इनने मोबाइल पे बात करते हुए हमने इनको रोका, इनके चालान के लिए बात की तो इनने अश्विन जोशी जी से बात करने को बोला। हम व्यस्तता के कारण हम हर एक इंसान से बात नहीं कर सकते हैं और ये नियम नहीं है कि आप हमसे बात करें, हम तो खुद के बगैर हम तो अकेले ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का राज है हमारा और आपको ये करना पड़ेगा। इंदौर में यातायात विभाग के सूबेदार अरुण सिंह इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर ड्यूटी के दौरान दो व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई में व्यवधान डालने का आरोप लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों से सूबेदार की बहस हुई वे कांग्रेस नेता के कार्यकर्ता थे। इस दौरान सूबेदार ने इस घटना का वीडियो बनवाया जिसमें सूबेदार कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम लेकर इन लोगों का चालान बना रहे हैं। हमने आपको रहना है, आपको राजवाड़े में रहना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं सूबेदार अरुण सिंह थाना यातायात पश्चिम मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर चालानी कार्रवाई में कोई गलत पकड़ा गया तो बिल्कुल चालान करूंगा, चाहे आप बाला बच्चन का धमकी दे, चाहे किसी की धमकी दे, किसी की धमकी नहीं दी, किसी के सूत्र में चालान काटने की बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस के अपने आपको बता रहे हैं कि हमारा राज है और हमारी चलेगी, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, ये वर्दी उतार दूंगा। मैं ये सबको बता रहा हूँ, ये जो भी सुन रहे हैं देश में कहीं भी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे से किसी ने आकर के बोला कि हमारा शासन है हमारा काम करना पड़ेगा, नहीं करूंगा। हमारे शासन की बात ही करिए, फोटो ले लीजिए हमारे ले लीजिए। और ये अपने आपको अश्विन जोशी जी का वो बता रहे हैं, बांजा बता रहे हैं, ये मोबाइल से बात करते हुए पाए गए थे, हमने रोका है इनको, उसके बाद से ये पैरवी करना है कांग्रेस के। हम ये है और हम कांग्रेस के राज में आपको सुननी पड़ेगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे आप बाला बच्चन से बताइए, चाहे किसी से ही बताइए। मैं सुबेदार अरुण सिंह थाना यातायात पश्चिम, मैं ये चीज स्वीकार नहीं करूंगा, ये चीज स्वीकार नहीं करूंगा। और ये आचार संहिता है, ये मुझे बता रहे हैं कांग्रेस का शासन है और आपको ये करना पड़ेगा। हमारी सरकार है, किसी शासन की नहीं सुनूंगा। मैं वादी है, इसकी पेमेंट मिलता है, पैसे दे रहा हूं, पैसे दे रहे हैं, पैसे देने के बाद देना पड़ेगा पैसे, नहीं पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बात करके पैसे दे रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हैं? एक आठ को दीजिए, पैसे दे रहे हैं तो अब ये पैसे दे रहे हैं, नहीं अब नहीं दे रहे, शुरू से दे रहे हैं ये भाई, शुरू से पैसे दे रहे हैं। अरे 25 पे मोबाइल पे बात करने का चालान बनता है और मैं बना रहा हूँ इनका मोबाइल पे, वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात करने का 21-25 पे चालान बना रहा हूँ। चालान अश्विन जोशी का नाम लिया, मैंने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसके बाद से ये आए कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहे हैं अपने आप को, कांग्रेस के आने के बावजूद मैं पर्ची बना रहा हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है, किसी शासन का डर नहीं। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और कार्रवाई करूंगा और करता रहूंगा। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ इंदौर पुलिस के सूबेदार की सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। कुछ ने उनके रवैये की तारीफ की तो कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। तब तक मामला विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया था। वहीं दिन में सिपाही का एक और वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो को किसी दूसरे शख्स ने बनाया था जिसमें सिपाही द्वारा धमकाने की बात कही जा रही थी। खड़े इन भैया ने वर्दी को हाथ लगाया क्या? लगाया क्या? लगाया क्या भैया? भैया लगाया इन्होंने? उल्टा साहब ने धक्का मुक्की करी कि नहीं करी? इन्होंने चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? इन्होंने चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? भैया सब यही खड़े, इन साहब ने अरुण सिंह जी ने धक्का दिया कि नहीं दिया? भैया ठीक है, धक्का मुक्की की कि नहीं की? मेरे साथ है। मामला बढ़ने के बाद इंदौर SSP रुचिवर्धन मिश्र ने सूबेदार को पहले तलब किया और फिर एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया। SSP ने बताया कि मामले की जानकारी ली गई है, छुट्टी से लौटने के बाद सूबेदार को किसी दूसरे विभाग में पदस्थ किया जाएगा। इसमें इनको सूबेदार जो है अरुण, उनको बुला करके उनसे बातचीत की गई और ऐसा समझ में आया कि ये काम के ओवरलोड की वजह से और वो मौके पर थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति की वजह से ये थोड़ा सा हाइपर रिएक्शन इनका रहा और इस बात को समझते हुए एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए इनका एक प्लान किया गया है। रक्षित केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे हैं, अन्य भी कर्मचारियों का कर रहे हैं, जिसमें उनको उनकी हेल्थ और वेलनेस को लेकर के साथ में प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर के उनका ट्रेनिंग की जाए और थोड़ी सी जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस लगातार फील्ड में काम करने की वजह से जो जनरेट होती है उसको हम काउंटर कर सके, इनको थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्स भी हो सके और साथ ही ये एक सप्ताह के प्रशिक्षण का फायदा उठा करके और भी बेहतर तरीके से फील्ड में अपना परफॉर्मेंस दे सके। पुलिस विभाग में सूबेदार की शिकायत सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी तनाव की बात कह रहे हैं, जबकि उनके व्यवहार को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।